एंटिलिया मामले में लेटेस्ट अपडेट क्या है? एनआईए को मिली एक और संदिग्ध कार का रहस्य क्या है? फटी जीन्स और संस्कारों पर आज पूरे दिन क्यों हुई बहस? और क्या देश के टोल होंगे फ्री? राष्ट्र और राज्यों की खबरों के लिए देखते हैं टॉप नाइन देश प्रदेश। एंटिलिया केस में नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फुटेज 24 फरवरी का है। देर रात 1:18 पर संदिग्ध इनोवा कार मुलुन टोल नाके से गुजरती। उसी रात 3:05 पर कार मुलुन नाके से वापस लौटती दिखती। दोनों बार कार चालक अलग अलग। एंटिलिया केस में एनआईए ने मुंबई में एक और कार को सीज किया। इस बीच सचिन वाजे के साथ काम करने वाले दो अधिकारियों से आज एनआईए ने पूछताछ की। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि वाजे का खुलकर समर्थन करने वाले महाराष्ट्र सरकार के नेताओं से भी पूछताछ होनी चाहिए। महिलाओं के पहनावे पर दिए बयान पर उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत बुरी तरह घिर गए हैं। विपक्षी दलों की महिला नेताओं ने उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपना ध्यान काम पर लगाएं, महिलाओं के कपड़ों पर नहीं। जल्दी पूरे देश से टोल नाके हटा दिए जाएंगे और गाड़ियों में फास्टैग पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज संसद में कहा कि अगले एक साल में जीपीएस ट्रैकर से पैसे वसूले जाएंगे। बिहार के बगहा में दरिंदगी का एक और मामला सामने आया। यहां टेम्पो चालक ने एक छात्रा को अगवा कर रेप किया और उसके बाद हत्या कर दी। छात्रा 24 मार्च को पुलिस की परीक्षा देने बेतिया गई थी और लौटते वक्त ये वारदात हुई। छात्रा के चेहरे को तेजाब से जलाने की कोशिश भी हुई। मध्य प्रदेश के मंडला में मिनी बस पलटने से उसमें सवार 6 बारातियों की मौत हो गई और 50 घायल हो गए। इसमें कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। 34 घायलों को जबलपुर रेफर किया गया है। यह हादसा नारायणगंज के पोतला के पास हुआ है। दंगल गर्ल गीता और बबीता फोगाट की ममेरी बहन महिला पहलवान रितिका ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों राजस्थान में हुई कुश्ती प्रतियोगिता में उसे हार का सामना करना पड़ा था, जिसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और खुदकुशी कर ली। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 60 करोड़ रुपए से अधिक के करीब 15 किलो हीरोइन बरामद हुई। पुलिस इनकी मदद से अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। अभिनेता अक्षय कुमार अपनी फिल्म राम सेतु की शूटिंग के लिए अयोध्या पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए हैं। अयोध्या रवाना होने से पहले अक्षय कुमार ने एक फोटो शेयर की, जिसमें जैकलीन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा भी हैं। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। टीवी 9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।